चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र स्थित मैनाल में 13 वर्ष पूर्व भानु प्रताप व उनके साथियों ने ब्रजराज सिंह उर्फ बबलू व जितेंद्र सिंह को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस डबल मर्डर के 13 साल पुराने मामले में न्यायालय अपर जिला जज क्रम 1 ने आज फैसला सुनाते हुए इस पहले सोमवार को ही सुनवाई के दौरान आरोपी नंदू व सत्येंद्र उर्फ भाया, किशन जंगम, शाहिना, वसीम को कोर्ट में पेश किया, जबकि एक आरोपी बिट्टू उर्फ दिग्विजय सुनवाई में पेश नहीं हुआ था, जिस पर कोर्ट ने बिट्टू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर तय की थी। अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया है कि इस केस में कुल 8 आरोपी हैं, जिनमें नंदू व सत्येंद्र जेल में बंद है, 4 आरोपी जमानत पर बाहर है, भानु प्रताप व राजेश कमांडो की मौत हो चुकी है। लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया है कि लाला बैरागी हत्याकांड का मुख्य गवाह था ब्रजराज सिंह। भानु प्रताप ने अपने साथी के साथ मिलकर 12 दिसंबर 2008 को गैंगस्टर लाला बैरागी पर हमला किया था। उद्योगनगर क्षेत्र के राजनगर तिराहे पर लाला बैरागी को सरेआम गोलियों से भूनकर व तलवार से काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में 40 से ज्यादा फायर हुए थे। मृतक ब्रजराज सिंह उर्फ बबलू लाला बैरागी हत्याकांड का मुख्य गवाह था। भानु गैंग ने ब्रजराज व उसके साथी जितेंद्र सिंह उर्फ पिंटू दोनों का मुर्डर किया था।